हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ईबे कोर्स वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की सोर्सिंग के बाद अपनी एक शीट बना सकते हैं, उसमें डाटा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, वो कितनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। और उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो चीज़ सोर्स कर रहे हैं सेलिंग के लिए, उसमें हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो हम प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास ये टूल्स होते हैं चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, वो हमें एक प्रिसाइज वैल्यू देते हैं। जस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट हमें ये राउंड अबाउट होती है कि हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप लोग इस तरह कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ईबे यूके पे। तो वहाँ से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ उठाते हैं, हम लोग ईबे यूके पे गए हैं, कोई भी चीज़ उठा लें, ये शर्ट डीलर्स पर मैं उठा लेता हूँ, ये हील आ गई है, हील उठा लेते हैं। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 18 पाउंड की सेल हो रही है। तो आप सबने से पहले आप लोगों ने इसे इस तरह करना है कि इसे इस पर जाना है, देन हम लोग जाएंगे अपने एक्सेल पे और आप लोगों ने ये शीट क्रिएट कर लेनी इस तरह। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ईबे के सोर्स लिंक जहाँ से आप वो प्रोडक्ट उठा रहे हैं ये उधर पेस्ट कर दिया। आप लोग इसे कम भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इतना इसको, ये जो कुकीज़ वगैरह हो रही हैं ज़्यादा काट दे मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक बन गया, दैन हम लोग इसकी प्राइस 18 पाउंड थी हमारे पास, वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पाउंड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूके रीजन की बात कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी अपना हिसाब लगा सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस ही है, उधर उतने की सेल हो रही है, अपनी प्राइस में हम लोग यहाँ पे अपनी डालेंगे, मैं लेट्स पर 30 पाउंड भी कर रहा हूँ। तो आप लोग से ये फ़ी कैलकुलेट करके इधर अपना प्रॉफिट पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वापस वही ईबे पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ईबे फ़ी कैलकुलेटर इधर पे जाएंगे, हम लोग कोई चूज़ कर, जिक एनालिटिक्स आप लोगों का मशहूर टूल है तो इसे हम लोग चूज़ करते हैं। देन हम लोग से पूछेगा कौन सी मार्केट प्लेस, तो हम लोगों ने यूके सेलेक्ट किया। कैटेगरी अभी कोई भी नहीं, अभी ये वाली कैटेगरी थी, तो हम लोग देख सकते हैं कौन सी है, फैशन की कैटेगरी है, ठीक है। ज्वेलरी हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी, तो हम लोग ये वाली कैटेगरी से चूज़ कर लेते हैं, वही ऑलमोस्ट सेम है। तो सेलर टाइप हम लोग प्राइवेट सेलर ही हैं। आइटम सोल्ड प्राइस, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वो प्राइस पुट करनी है जितने की आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग बेच रहे हैं, लेट्स सपोज मैं बेच रहा हूँ 18 पाउंड की आइटम थी, तो मैं 30 की बेच रहा हूँ। आइटम कॉस्ट जितने की आप लोगों को आ रही है, अब 18 पाउंड की हमें आ रही है। अब ईबे हमें कितने परसेंट पे चार्ज कर रहा है, 11.9 के। तो वैट हमने अभी नहीं रजिस्टर्ड है, तो देन हम लोग शिपिंग चार्ज कर रहे हैं जो कस्टमर को हम लोग चार्ज करें 5 पाउंड, और जो हमें आ रही है वो 3 पाउंड, ठीक है। प्रमोशन, ये हम लोग जो प्रमोशन फ़ीस है, ये हम लोग अब लिस्टिंग में जाके डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम लोग क्रिएशन करेंगे लिस्टिंग की, कि आप किस तरह ये प्रमोशन लगा सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को रैंक अप कर सकते हैं। रेदर देन दैट हम लोग अभी इधर कुछ भी नहीं करते, अदर कॉस्ट 0 ही रहने देते हैं। मोर ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो हमारा अकाउंट कौन सा है, हम लोग अभी अब स्टैंडर्ड पर रहते हैं जो एज यूजुअल सेलर्स का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9.54 पाउंड का। मीन के अगर हम लोग 30 पाउंड की चीज़ सेल करें तो हमें ऑलमोस्ट 10 पाउंड बच रहे हैं, बाकी ये सारे फीस। तो हमें देख सकते हैं कि हम ये हमें हमारे पास एक जस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, हमारे पास फुल एक्यूरेट नहीं है कि 100% यही होगा। बाकी बातें आप लोगों ने इसमें से और अपने पास ही 3-4 पाउंड और कम कर लेने हैं, क्योंकि वो ऐसी फीसिस वैल्यू होती हैं, हिडन फीसिस होती हैं, जो आप मतलब ईबे मुख्तलिफ चीज़ों के चार्ज करता रहता है। लेट्स सपोज अगर हमें 20% भी ईबे एक्स्ट्रा चार्ज करता है हर टैक्सीज पे भी,
मतलब आप लोग नीश इस तरह की होगी तो उसकी प्राइसेस वेरीज करेंगी, उसके अलावा आपका जो बिजनेस लेवल है उस पर वेरीज करेंगी, तो प्राइसेस की वेरिएशन आती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए अपनी शीट्स में वापस आते हैं। तो हम लोग देख सेलिंग प्राइस हम लोग 18 पाउंड की उधर बिक रही थी, तो हमारी प्राइस की 30 पाउंड की थी, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, ऑलमोस्ट 9.54 आई थिंक, हाँ 9.54 का हमें ये प्रॉफिट मिल रहा था। तो हम लोग पुट करेंगे 9.54, तो हमें ये हमारे पास एक लिंक आ गया। इस तरह आप लोग मुख्तलिफ लिंक्स पुट कर सकते हैं और अपनी शीट क्रिएट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी होगी। तो किसी किस्म की क्वेरी के लिए फर्दर कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।